ज्ञान। तो आज क्या भैया क्या बताओगे इंटरव्यू में? पाचन क्रिया। क्या बताओगे? पाचन क्रिया। फुल याद है ना पाचन क्रिया? एंजाइम के साथ। तो चलो बताओ भैया, पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख गुहा। कहाँ से? मुख गुहा। कहाँ है मुख गुहा? में क्या क्या पाया जाता है? दांत, जीभ, लार। फिर से जरा बोलें। दांत, जीभ, लार। दांत, जीभ और लार। लार। तो दांत कितने होते हैं एक वयस्क मनुष्य में? 32। कितने होते हैं? 32। पूरे जीवन काल में एक मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 52। 52 कैसे? 20 बड़े पका। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं जरा ये बताएं? 4। नाम बताओ चारों का। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। मोलर। तो इंसीजर कितना होता है हमारे मुंह में? 8। 8। ऊपर कितना और नीचे कितना? ऊपर 4, नीचे 4। और केनाइन की संख्या कितनी होती है? 4। ऊपर कितना और नीचे कितना? 2, 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 2
ये प्री मोलर की कितनी होती है? आठ। आठ। ऊपर कितना और नीचे कितना? ऊपर चार नीचे चार। तो मोलरों की संख्या कितनी होती है? बारह। बारह कितनी होती है? बारह। ऊपर कितना और नीचे कितना? ऊपर छह नीचे छह। नीचे से दांत वाला काम हो गया ना, तो जरा ये बताएं इंसीजर क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। केनाइन क्या करता है? चीरने फाड़ने। और प्री मोलर? चबाने का। और मोलर? पीसने का। पीसने का काम हो गया ना। अब कहाँ पहुँचेंगे? जीभ के पास। कहाँ पहुँचेंगे? जीभ के पास। तो जीभ का काम क्या होता है? स्वाद चखना। स्वाद चखना। अगर जीभ में हम ये पूछें कि सबसे आगे वाला हिस्सा कौन सा स्वाद बताता है? मीठा। मीठा। बीच वाला भाग? खट्टा। और सबसे पीछे वाला भाग? तीखा। तीखा। तो इसी गुहा में लार एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, तो वह कितने जोड़ी पाई जाती है? तीन जोड़ी। कितने जोड़ी? तीन जोड़ी। तीन जोड़ी में से जरा कुछ नाम बताएं। म्यूलिन, टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन। टाइलिन क्या काम करता है? स्टार्च को शर्करा में। लाइसोजाइम कीड़ों को मारना। म्यूलिन खाना पचाना। और एक कौन सा बच रहा है? डाई स्टेज। क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदलना। अच्छा जरा ये बताएं कि मुख गुहा में अगर मुख का पीएच मान कितना होता है? मतलब अम्लीय होता है कि नहीं? तो ये पूछ रहे हैं कि मुंह का जो पीएच मान होता है अम्लीय होता है या क्षारीय? अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। तो मुंह गुहा का पूरा प्रक्रिया कंप्लीट ना। हाँ। अब खाना कहाँ जाएगा? ग्रास नली। कहाँ जाएगा? ग्रास नली। कहाँ पे है ग्रास नली? तो ग्रास नली क्या करता है? केवल खाना को ट्रांसफर करना। खाना को ट्रांसफर कहाँ करेगा उसके बाद? ग्रास नली के बाद अमाशय में। कहाँ पे? अमाशय में। प्लीज बोलो। अमाशय में। तो अमाशय के कितने भाग होते हैं? तीन। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। कार्डियक में एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सूत्र क्या होता है उसका? HCl। HCl। एल। तो जरा आप ये बताएं कार्डियक में या अमाशय के किसी भाग में दो एंजाइम्स पाए जाते हैं, वह कौन कौन से हैं? रेनिन, पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? दूध को पचाना। दूध को पचाना। सबसे ज्यादा किसमें रेनिन जनरेट होता है? छोटे बच्चों में। किसमें होता है? छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में। तो पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन प्रोटीन को पचाना। अच्छा एक बात बताओ, जब भूख लगती है तुम लोगों को तो कौन सा अमाशय का भाग गढ़ता है और क्या गढ़ता है? फंडिक। फंडिक गढ़ता है। और फंडिक में क्या गढ़ता है? रूजी। रूजी गढ़ता है। रूजी क्यों गढ़ता है?
भूख लगने पर वह क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है? रूचि लगता है। ठीक है ना, आगे पूछे ना। तो अब आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाने से पहले बाएं हिस्से पे क्या पाया जाता है? अग्नाशय। अग्नाशय में कितने एंजाइम होते हैं? तीन। कौन कौन से? लाइपेज, माइलेज, ट्रिप्सिन। फिर से बताएं। लाइपेज, माइलेज, ट्रिप्सिन। और उसके दाएं साइड में एक पाया जाता है क्या चीज? लीवर। क्या पाया जाता है? पित्ताशय। लीवर। और लीवर के बगल में क्या पाता है? पित्ताशय। क्या पाया जाता है? पित्ताशय। ठीक है ना। तो वहीं से क्या निकलता है? क्षार निकलता है। क्या निकलता है? क्षार। छोटी आंत खाना कैसे एक्सेप्ट करेगी? अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय। पेट में भोजन अम्लीय इकट्ठा होता है या क्षारीय? अम्लीय। पेट के बाद छोटी आंत कैसा एक्सेप्ट करेगा? क्षारीय। कैसा एक्सेप्ट करेगा? क्षारीय। क्षारीय कहाँ से जनरेट होगा? जब पित्तरस निकलेगा वहां से, तो पित्तरस क्षारीय होता है, और ज्यो जाकर अग्नाशय के पास में मिलेगा तो वहां से पूरा भोजन क्या हो जाएगा? क्षारीय। अग्नाशय में ही एक इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज। कौन सा रोग? डायबिटीज। किसकी कमी से? इंसुलिन। तेज बोलो। इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से। और आंत कितने प्रकार का होता है? दो। भोजन अब कहाँ पहुँचेगा? किस आंत में? बड़ी आंत में। किस आंत में पहुँचेगा? छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत। छोटी आंत के कितने भाग? तीन। नाम बताओ। डेडुनम जेजुनम इलियम। फिर से बोलो। डेडुनम जेजुनम इलियम। डेडुनम जेजुनम इलियम। ठीक है ना। तो सबसे पहले किस भाग में भोजन पहुँचता है छोटी आंत के? डेडुनम। कौन सा उसमें भाग है जो केवल खाना ट्रांसफर करने का काम करता है? जेजुनम। कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें जाके भोजन द्रवित होकर इकट्ठा हो जाता है? इलियम। अब खाना इलियम के बाद कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कितने प्रकार होते हैं? तीन। नाम बताएं। सेकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है ना। और छोटी आंत में कुछ एंजाइम सीट पे भी पाए जाते थे, वो नाम क्या था? इरिप्सिन। और सुक्रेस। और माल्टेस। लैक्टेस। और लाइपेज। चलो ये भूल गए थे, कोई बात, इतना बहुत याद है। तो बड़ी आंत के बाद खाना आप कहाँ पहुँच जाएगा? गुदा में। कहाँ पहुँच जाएगा? गुदा में। और गुदा के द्वारा खाना क्या हो जाएगा? बाहर। पाचन क्रिया कम्प्लीट हो गई ना। तो अब हम पूछेंगे ब्लड ग्रुप। क्या पूछेंगे? ब्लड ग्रुप। तो जरा ये बताना, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है? चार। कितने प्रकार का? चार। चारों का नाम बताओ। ए बी ओ। ए बी और ए बी ओ। जरा ये बताओ, ए वाला अगर बीमार होगा तो किस ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड लेगा? ए ओ। ए और ओ से। बी वाला बीमार होगा तो किससे लेगा? बी ओ से। ए बी वाला बीमार होगा तो? ए बी ए बी ओ। ओ वाला से बीमार होगा तो? ओ से। केवल ओ से लेगा ना। अच्छा, इस चारों ब्लड ग्रुप में से दाता किसको कहा जाता है? ओ। दाता क्यों कहा जाता है? सबको खून देता है। सबको खून देता है। किसको ग्राही कहते हैं? ए बी। कहे सबसे खून लेता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रुधिराणु के बारे में। किसके बारे में? रुधिराणु। रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। दो भागों में। कितने भागों में? दो भाग। प्लाज्मा और रुधिर। प्लाज्मा और रुधिर। प्लाज्मा और रुधिर। तो प्लाज्मा का कितना भाग होता है? प्लाज्मा में रुधिराणु कितना होता है? कितना परसेंट? 45 से 50। तो रुधिराणु कितना बचेगा फिर? अब 50 से 55। कितना बचेगा? 50 से 55। अच्छा बताओ, रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। कितने भागों में? तीन। नाम बताओ। फिर से बोलो। आर बी सी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कॉर्पस। और इसका रासायनिक नाम?
एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का फुल नाम? व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स। इसका नाम क्या है रासायनिक? थ्रोम्बोसाइट। तेज बोलो, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? एरिथ्रोसाइट होता है ना, क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आगे पूछे। अब जरा ये बताना, मस्तिष्क जानते हो सब लोग ना? हाँ। जिसको क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। क्या है? तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं जरा बताना? तीन। तीन भाग, कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी कुछ भाग होते हैं, जरा उनका नाम बताओ और कितने प्रकार का होता है? तीन। कितने प्रकार का? तीन। नाम बताओ। सेरिब्रम, फिर से बोलो। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का कार्य क्या होता है? पढ़ना लिखना ज्ञान। थैलेमस का काम? गर्मी, ठंड, चोट। हाइपोथैलेमस? खाना, पीना, सोना। और मध्य भाग के कितने भाग होते हैं? दो। नाम बताओ। कॉर्पोरा, सेरिब्रल पेडिकल। कॉर्पोरा का काम क्या होता है? सुनना, देखना। दूसरे भाग का काम क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ना। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? दो। नाम बताओ। सेरिब्रल, मेडुला, अमिगडाला। दोनों का कार्य बताओ बारी बारी से। संतुलन बनाए रखना। और लास्ट वाला? दिल का धड़कन को बढ़ाना। दिल की धड़कन को कंट्रोल करना। तो मस्तिष्क कंप्लीट हो गया ना? अब जरा बताना, वायरस से होने वाली पांच बीमारियों का नाम बताओ जरा तेज तेज। कोरोना, चेचक, जुकाम, खांसी, खांसी, पोलियो, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। अब बताना प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी? टाइफाइड, जीवाणु से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से? मलेरिया, कवक से होने वाला बीमारी? जरा ये बता, पीएच मान का स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? कहाँ से? ओ से 14। ओ नहीं होता है भैया, उसको जीरो कहते हैं। कहाँ से? जीरो से 14। जीरो से 14। जीरो से 7 के बीच में क्या कहा जाता है? अम्लीय। क्या कहा जाता है? अम्लीय। केवल 7? द्वादशी। और 7 से 14? क्षारीय। 7 से 14? क्षारीय। क्षारीय। और कुछ छूटा है क्या? नहीं। और कोई टॉपिक छूटा है बायोलॉजी का? टीका। टीका याद करके आए हो सब लोग? तो जब चेचक रोग हो जाएगा तो शरीर का कौन सा अंग गड़बड़ा जाएगा जरा ये बताना। तो आज के लिए इतना ही रखें ना, एक बार फिर से बोल दो भैया। ज्ञान सर, ज्ञान सर, आया।